For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss a video from Bollywood Spy. टाइगर जिंदा है, ये एक फिल्म नहीं बल्कि दुनिया भर में बसे सलमान खान के फैंस के लिए अब एक इमोशन बन चुकी है। जहां एक तरफ दर्शक सिनेमा घरों में जाकर इस फिल्म का या फिर अगर दर्शकों के क्रेज को दिमाग में रखते हुए कहा जाए तो इस तूफान का लुफ्त उठा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तो फैंस सिनेमा घरों में भी अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब कुछ खबरें आई हैं कि फैंस थिएटर्स में भारत माता की जय के नारे लगाते पाए गए जैसे ही मूवी शुरू होने से पहले राष्ट्रगान खत्म हुआ। इतना ही नहीं, जब फिल्म में भारत का ध्वज ऊपर उठता है तो थिएटर्स तालियों और हुट से गूंज उठे। वहीं जब पाकिस्तानी फ्लैग रेस किया गया तो फैंस और भी ज्यादा उत्साह से तालियां बजाते दिखाई दिए। चाहे कुछ भी हो दोस्तों, ये तो शत प्रतिशत सही है कि टाइगर जिंदा है जैसी फिल्मों के लिए लोग सारे मन मुटाव को भूलकर एक साथ एकजुट होकर आते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड स्पाई को। जब हैरी मेट सेजल को मिले ल्यूक वार्म रिस्पॉन्स के बाद हर किसी की नजरें अब शाहरुख खान की आनंद एल राय के साथ अपकमिंग डॉर्फ फिल्म पर टिकी हुई है। हालांकि हर दिन इस फिल्म के सेट से कोई ना कोई खबर आती ही रहती है और अब हमारे खास सूत्रों से मिले खबरों के मुताबिक इस ड्वार्फ फिल्म के टाइटल ट्रैक का नाम होगा जरा तस्वीर से तू। वैसे इस गाने के टाइटल शाहरुख खान की फिल्म परदेश से हिट नंबर जरा तस्वीर से तू काफी मिलता जुलता है। बता दे, इस फिल्म को रिलीज होने में तकरीबन एक साल बाकी है, लेकिन अभी से इसके लिए एक्साइटमेंट को संभालना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। बात करते हैं इस फिल्म की। डायरेक्टर आनंद एल राय के निर्देशन में बन रही इस फिल्म में शाहरुख खान के ऑपोजिट उनके जब तक है जान को स्टार्स कैटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपके क्या राय है, हमें अपने सुझाव बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करिए बॉलीवुड स्पाई को।